हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी ग्रीन आई मेकअप। और ये मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने हाइलाइटर लगा लिया था आईब्रो बोन पर, इनर कॉर्नर पर आइज़ के। और जी, ये मैं अब ले रही हूँ ग्रीन शेड, जो कि मैं आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी। देखें, वी की शेप में बना दूंगी मैं ये, और क्रीज तक ही बस लेके जाऊंगी, लिड तक बस, इससे आगे नहीं लेके जाऊंगी। ये जो मैं हमेशा पैटर्न यूज़ करती हूँ जब मैं आउटर कॉर्नर से मेकअप शुरू करती हूँ, तो ये वही है। और इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन कलर यूज़ किया है बस, और कोई भी कलर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो जी, ये मैंने ग्रीन कलर जो है ये मैंने आउटर कॉर्नर पर लगा लिया अच्छे तरीके से। और देखिए, आईज़ के बाहर मैंने एक वी की शेप दे दी है, ठीक। और इसको मैं जो है अच्छे तरीके से डिपॉजिट कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी मैंने इसको ब्लेंडिंग नहीं किया है, सिर्फ मैंने कलर डिपॉजिट किया है। अब जी, मैं ये वाला एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी जिसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है, और वो मैं जो अच्छे तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और इसको आंखों से बाहर नहीं लेके जाना है, बस इसको क्रीज पे मैं जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि ये जो कलर है वो अच्छा सा एक इसका बड़ा सॉफ्ट सा एक टच आ जाए, क्योंकि ये डार्क शेड है ग्रीन का। तो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद जो है मैं इसको फिर इसके ऊपर मैं जो है कॉर्नर से जो है मैं फिर इसको एक दफ़ा और थोड़ा सा डार्क कलर कर दूँगी, क्योंकि मुझे कॉर्नर पे डार्क ही चाहिए। अच्छा, ब्लैक कलर मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसी कलर को जो है और दोबारा से डार्क कर दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं इसमें लूँगी एक और जो है वो यही मैंने ब्रश लिया है, और इस पर मैंने बहुत ही लाइट पैरेट ग्रीन कलर लिया है, और इसको मैंने इनर से लिड तक लगाया। ये देखें इस तरीके से मैंने इनर से लिड तक लगाया है इसको, और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से मर्ज कर दूंगी आउटर कॉर्नर से जो डार्क शेड है, इससे मैं अच्छे तरीके से जो है इसको मैं मर्ज कर दूंगी। तो जी, ये वीडियो मैंने रखी हुई थी काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा चले मेरे पास पूरी एडिट होके पर रखी हुई है, तो मैं इसको अपलोड ही कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो क्योंकि फजूल में यानी कि ज़ाया ही हो जाएगी, और असल मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, और आपको आवाज़ से साफ लग रहा होगा कि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है। तो जी, इस वजह से मैंने जो है वो काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस आ भी नहीं रही थी। तो कल भी मैंने अपनी एक कुकिंग की वीडियो डाली थी, फ़िश फ्राई की रेसिपी, तो वो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और ये एक और वीडियो मैंने कहा चले आज मेकअप की डाल देती हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको वॉइस रिकॉर्डिंग कर ही लूँ। तो जी, अब मैंने ले लिया है इसके ऊपर मेटैलिक ग्रीन कलर, और वो मैंने इनर से सिर्फ लिड तक लगाया। ये देखिए कितना ही कोई ये खूबसूरत और ये सॉफ्ट टच दे रहा है इसको, देखिए ये इस तरीके से कितना अच्छा इसको जो है वो टच दिया है इसने ये। तो जी, ये देखिए कितना ही कोई ज़बरदस्त किस्म का जो है ये वो लुक क्रिएट हुआ है इसका। अब जब हमारी नेचुरल आइज़ होती है, तो जी आईब्रोज़ होती है उस पर हम, अब ये है लाइट पार्टी मेकअप, ठीक है। अब इसमें जो है अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जो है वो हैवी इसमें आईलाइनर लगाकर इसको और मॉडर्न बना दें, या फिर इसको ऐसे ही सिंपल रखें। मैंने वाटर लाइन पर जो है वो ब्लैक जेल आईलाइनर लगा दिया था, और अब मैं इसके ऊपर जो है वो मेटैलिक कलर जो है वो, ये देखिए मेटैलिक कलर है ये, मैं जो है वो इसके बाहर की तरफ मैं इसको लगा दूंगी इस तरीके से, इनर से लेके जाऊंगी आउटर पर, और फिर मैं इसको आईज के आउटर कॉर्नर से मर्ज कर दूंगी। देखिए इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से दोनों साइड से इसको मर्ज कर दिया, और मैंने कोई कलर नहीं लगाया है इसमें, यानी ग्रीन का ही शेड कोई और मैंने नहीं लगाया है। और ये जब हम अपनी रियल आइज पे लगाएंगे, तो हम जो है वो जो हमारी आईब्रोज होती है नेचुरल आईलैशेज होती है, उस पर हम दो से तीन कोट जब मस्कारा के लगाते हैं, तो फिर हमें फेक आईलैशेज की ज़रूरत नहीं होती है। जिनकी घनी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग तो बस एक दफ़ा भी मस्कारे का कोट लगा लेंगे, उनकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा,
जिनकी हल्की आई शेड आईब्रोज हैं वो 2 से 3 दफ़ा जब मस्कारे का कोट लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये जी स्कूल गोइंग गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, ऑफिस में कोई पार्टी है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त किस्म का मेकअप है। मैं ग्रीन कलर में लाई हूँ, आप हर कलर में कर सकते हैं, पिंक, ब्राउन, ब्लू, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप कर सकते हैं। तो जी ये देखिए फाइनल लुक है, मैंने बहुत ही हल्का सा जो है वो जेल आईलाइनर लगा दिया था इसका। ये है इसका फाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा इजी, सिर्फ 5 मिनट में होने वाला ये आई मेकअप है। तो जी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएँ, और जी मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।